सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में हम कुछ और भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो पिछले 3 से 4 वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, और कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, फार्मूलाज भी डिस्कस किए हैं, और आज हम कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, रमेश बॉट अ चेयर फॉर ₹1,540 एंड सोल्ड इट टू सुरेश, यानी कि रमेश ने एक कुर्सी परचेज की है जिसका प्राइस है 1,540 एंड उसे बेचा है सुरेश को। इफ़ रमेश अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 25% फाइन सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, यानी कि हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस ढूंढना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, लेकिन अभी हम ऑप्शंस पहले नहीं देखेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, ऑप्शन देखने से कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, जिसे कि हम कलर टिक करके आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि रमेश ने चेयर कितने का परचेज़ किया। तो रमेश ने चेयर 1,540 का परचेज़ करा है। अब यहाँ पे सॉल्ड एंड सोल्ड एंड गेन का लिखेंगे, 25% का हुआ है। तो SP यानी कि हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे, तो 100 + P% / 100 इनटू कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ पे 100 का 100 आ गया और P% 25, और ये जो 100 है 100 का 100 यहाँ पे आया। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1,540, क्योंकि रमेश ने कुर्सी 1,540 का परचेज किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे 100 को अगर हम 25 से जोड़ेंगे तो 125 आएगा। यहाँ पे जो 100 है वो यहाँ पे आ गया, और ये जो नंबर है यहाँ पे हम लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 1,925। इसका मतलब कि 1,925 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर परचेज अ टेबल एंड सेल इट फॉर ₹4,200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर परचेजेज अ टेबल एंड सेल इट फॉर 4,200 एंड इफ़ ही इनक्योर अ लॉस ऑफ 220% फाइंड CP ऑफ टेबल। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, और अब हमको यहाँ पे 100 को 100 से माइनस करके यहाँ पे लॉस लिखना है। का फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद 100 यहाँ पे 100 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे लॉस है हमारा 20 का, तो 20 लिखेंगे, और ये जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 100 यहाँ पे आ जाएगा, और 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80, और ये जो नंबर है वो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 5,250 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।